चाह रहा हूँ मार्च तक। अब जो है 400 मीटर की रेस में चक्कर भगा लो चाहे 6 महीने बाद भगा लो, ये 400 मीटर की रेस में चाहे 1 लाख रुपए धर का भगा लो चाहे 5 लाख रुपए धर का भगा लो। तो दिल पे बाबा जी कैडी लगी है? नहीं कैडी नहीं, हमारा पहले से रिकॉर्ड है चीज, आज तक हम किसी से पीछे नहीं हटे। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रांडेड किसान में। भाइयों आज एक वीडियो लेके आए हैं आपके लोगों के लिए, आप सब भाइयों के लिए। भाइयों वीडियो जो होने वाली है आज की वो मारकपुर की होने वाली है। किसी कारणवश आपस में थोड़ा विवाद बना, इन्होंने भाइयों ने फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे करके हम भी एक क्लिप बनवाना चाहते हैं कि जिसमें स्पष्ट किया जाए कि कारण क्या रहे, किस कारण विवाद बनया। जो बैठे हैं भाई कपिल भाई, आज की जो वीडियो होने वाली है कपिल भाई मुबारकपुर की होने वाली है, भाई का स्वागत करूंगा। राम राम बड़े भाई, जितने भी भाई बैठे हैं सभी का स्वागत है जी। इधर भी भाई, तो इधर बैठे हैं एक भाई को स्वागत है जी। तो कपिल भाई जो एक बार हल्का सा परिचय दो आप अपना। नाम कपिल कुमार, तहसील मवाना जिला बीड़। अच्छा, नाम कपिल कुमार, गांव का नाम है जी मुबारकपुर, जो तहसील है इनकी मवाना पड़ती है, जिला मेरठ है, बहुत बड़े। तो कपिल भाई आपने मुझे फ़ोन किया था कि भैया जी एक वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो वो क्या है, किस कारण विवाद बनया, वो एक स्पष्ट करो जी आप। ये जी हमने प्रियांशु मारकपुर के चैलेंज एक्सेप्ट करा था। प्रियांशु मारकपुर, प्रियांश। अच्छा अच्छा जी, आगे उन्होंने ये रखा था 3 किलोमीटर मावाने से मारकपुर तक कोई भी भगाओ, उसमें पैसे वैसे भी खुले हुए थे। अच्छा जी, तो हमने भाईचारे के उस समय का चलो भाई मिठाई के डिब्बे से, हाँ जी, गाँव में ना तो कुछ दिक्कत आवे आपस में, हाँ जी, और भगा ले। अच्छा जी, दौड़ भगा में, तो उन्होंने फिर लिबरेडी जाके वीडियो बनवाई ऋतिक लोहान जी से। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने कुछ उपशब्द कहे, पैसे निकाल के दिखा रहे क्या, उन्हें 4 से 10 लाख तक हमें रेस भगाओ। अच्छा जी, तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमें कुछ ये बुरी लगी बात, हमारे कुत्ते नहीं भागने के मिठाई के डब्बे से, तो या तो पहले पैसे खोल देते जी, या फिर हमारे पास फोन करते। तो कपिल भाई आप क्या चाहते हो कि भाई आपकी रेस भागी जाए? हाँ जी, हम रेस भगाएंगे। अब जो है उन्होंने हमारे पास फोन किया था, हाँ जी, पहले तो उन्होंने माफी मांगी। अच्छा, फोन किया आपके पास? हाँ जी, उन्होंने फोन किया, हम पे रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है, सुनाना जी रिकॉर्डिंग कौन सी है। तो भाइयों आप लोगों के सामने है, रिकॉर्डिंग भी है इसमें इनका, भाइयों का किस कारणवश, जवाब यहाँ आ जाओ, किस कारणवश इनकी आपस में बिगड़ी है पता नहीं। हेलो, हेलो, हाँ प्रधान जी, अरे हम कहेंगे प्रधान, अरे मान जाओ हमारी गलत है, जल बेचती सब रला दी, मिट्टी में मिला दी हमारी पार्टी, यू गेट बंद कर दी, अरे मान जाओ मगर हो गया बंद, हो गया, अब चलो। अच्छा फूट आगे करवा रहे, अच्छा नहीं है तो सब ये तो देखो जी जी भैंस का कुछ बात थोड़ा ही है भाई, मैं कपिल यही तो बात कर रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा, अरे भाई यो थोड़ी हमें बस यो गलत सी लगी, मगर यो नहीं कोई भी बात से क्या, अगर हो सके गुस्से में छोटी होती तो गलत कह गया होगा तो उसके लिए माफी भाई, और बता। हाँ मगर प्रधान जी पता नहीं क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमारे सारे रिलेशन ऐसे हैं कि पूछा मत ना, तुम ना मानिए, नहीं वो तो है, अरे मैं तो कह रहा हूँ पैसे छोड़ लो, हम ऐसा नहीं छोड़ सकते, इसमें क्या बात है, एक और वीडियो छोड़ रखी जिन्होंने, क्या जी नीलोय से भगाने की, चलो जी हमारा प्लान नहीं हो गई है। हेलो हेलो भाई कपिल, देख हम तू तो अपना ही आदमी, तेरे से अपनी बात बताने में तो हम कोई जोखो मानते नहीं, तू हमेशा कैसा ही बात, अच्छी नहीं कैसी बात, ठीक है नहीं, हमारा जो प्लान यो है,
अच्छा अभी 5 महीने हैं, तो 5 महीने में लगभग 5-6 किलोमीटर तो पड़ी है। 6 किलोमीटर हम हमारी ख्याल कोई भी छोटा भाई हम तैयार है उसके लिए। चलो जी, पर लेकिन अभी हम वैसे किसी के साथ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की बहस करते हैं। चलो जी, और एक वीडियो भी बनवा गिरवाओगे फिर इसकी। चलो जी ऐसी, चलो ये भाई जिसका मन करे वो नीलोय के मिलने में भी भगा के देख सके, बजदारी में ना उसने कोई पैसे ना कुछ। चलो जी सही है गलत है? चलो ठीक है जी, जिसका भी जी करे अपना गांव में भाई वो देख सके, अपना भगा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाईचारे की बात। हाँ हाँ सही है गलत है? चलो जी हमारा प्लान जो भी है सही, पर वैसे जो काम हमारे बस की नहीं, तुम्हें पता ऐसे आदमी कहाँ है, हम तो सामाजिक आदमी ठीक ठाक। चलो ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अब तेरा छोटा तेरा घर है कोई जी? कपिल भैया बैठो। तो भाइयों कुछ ये दो रिकॉर्डिंग आई हैं आप लोगों के सामने। तो कपिल भाई अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं जी, हम 7 किलोमीटर में ओना ऊबर चैलेंज कर रहे जी, स्पेशल होने की खातर। स्पेशल प्रियांश मारकपुर के लिए, प्रियांश मारकपुर के लिए तीन चैलेंज है आपका 7 किलोमीटर का? हाँ जी, नीलोय के मेले का 6 महीने है उसमें, और दूरी 7 किलोमीटर है, अपना खूब तैयारी कर ले। 7 महीने का पीरियड ज्यादा हो जाता है जी। वो अगर कोई दिक्कत आ गई वो तो जी देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पर जो है मेले के तो अभी 6-7 महीने, 6 महीने तो है, लंबा पीरियड है। देखो उन्होंने मेले के लिए बोला हमसे स्पेशल फोन करा, हाँ जी फोन इसी वजह से करा, हमें कहा गया कि जब हमने कह रहे थे हमें स्पेशल कह रहे भाई 5.5 महीने बताए रहे वे, उसके बाद हम मेले में भगाओगे। ये बात तो कपिल भाई आप अपना कौन सा पशु भगाओगे उसमें? ये रहेगा तो ये भगेगा, नहीं तो दूसरा कर लेके आएंगे। इसमें बंद रहेगा आपकी तरफ से झुट्टा कैसे? हाँ जी हमारी तरफ तो यही है फिलहाल, तो अगर इसके कुछ ऊपर वाले ने ना करा तो कुछ हो गया तो अलग बात है, नहीं तो ये भगेगा। सपोज करो वे कहते हैं कि हम तो इसी झोटे से भगाना है, फिर भैया जी इसी झोटे से यही भगेगा जी, अगर ऊपर वाले ने इसका कुछ कर दिया तो अलग बात है, नहीं तो यही भगेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहरहाल यो भाई बैठे हैं आपके साथ जुड़ रहे हैं, कुछ भाई आप कहना चाहते हो? सब हमारे साथ है जी, और भाई यहाँ भी तो 20-22 लड़के हैं, कोई भाइयों की थोड़ा दिक्कत सब ठीक। और उन्होंने कहा भी था, हाँ जी 10 लाख वाली बात भी कही थी, हमारे भी बड़े बुजुर्गों को पता लगा, हमारे पिताजी ने कहा फोन करो 5 लाख का फोन करो ना, और 2-4 ने बड़े बुजुर्गों ने हमें मना करा। राम राम जी, आ जाओ जी आ जाओ, गांव में पैसे नहीं लगना चाहिए। बैठो जी बैठो ये कपिल भैया जी बैठो। तो ताऊ जी का स्वागत है, राम राम ताऊ जी। ताऊ जी एक बार शुभ नाम बोलो जी आप। कुमार पाल सिंह, कमर पाल। बहुत बढ़िया। तो ताऊ जी आपके संज्ञान में भी होगी ये जो अभी चर्चा हुई है आपके विषय में, क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? चर्चा कीजिए, ये जो अभी झूठे के बारे में जो प्रियां सर से आपकी बात चल रही थी, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे ताऊ जी आप? नहीं वो तो बड़ा उनका हिसाब है, कैसे वे वीडियो बनवा रहे अपनी मर्जी से भाई। नहीं आप अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे कि आप तैयार हो रहे इस बगाने के? हाँ तैयार है, तैयार। यानी उन्हें भैया जी अभी कह रहे थे कि 5 लाख रुपए बाबा जी ने कहा कि आप सहमति हैं? हाँ मैंने कहा इस चीज़ को, मैंने खुद गई से कहा अभी पेश करके भगा रहे बाबा। ये बात तो भाइयों कपिल भाई जो कह रहे हैं वो सच्चाई है, पिताजी भी इस बात को भाई बंद कर दिए थे, तो कहने का मतलब यह है वो भी तैयार हैं, सहमति है। तो कपिल भाई कुछ कहना चाहोगे? वो हाँ जी हमसे 5-10 मोहल्ले के बुजुर्ग थे जी, उनके संज्ञानों में बात गई जी, उन्होंने आके हमें भी डांटा जी, पापा जी 2-4 बात बताई। अच्छे भाई गांव में पैसे करके गांव का माहौल खराब करना जी, अगर मिठाई के डिब्बे पे वे एग्री हैं तो उनसे झूठा भगाओ, और इस बात में उनका मेरे पास फोन भी आया, पहले सुबह ही आया राहुल भाई का जी, उनसे मैंने सीधी सीधी बात कह दी, अगर मिठाई के डब्बे पे कटड़े भाग रहे जी
तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या आजाद नहीं, मैं क्या पैसे भी नहीं रख रहा। अच्छा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है मोहल्ले के, मगर सबने मना कर दिया। अच्छा जी, फिर उन्होंने उसके बाद जाके वहाँ वीडियो बनवाई निर्भा रेड्डी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आंड्रो जोटो के साथ में भगा नहीं सकता है, तो लांडा बहुत बड़ा नाम है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, नेपाल का देवा था भाई इतना बड़ा है, और वो बड़े बड़े नाम को नीचे डाल रहा, तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक पहलवान बचपन से जा रहा है, एक पहलवान बुढ़ापे में जा रहा, तो पहलवान तो दोनों ही है। तो भाइयों, अगर कुछ हद तक कपिल भाई की अगर बात आप लोगों को अच्छी लगे, तो भाइयों कमेंट जरूर करना कि भाई इसमें कौन गलत है कौन सही है। तो कपिल भाई आपका ओपन चैलेंज है भाई के लिए। हाँ जी, अगर वे कहते हैं हम कुछ दिन में रेस भगाना चाहते हैं तो नहीं, उन्होंने क्लियर मैन पर वीडियो पोस्ट नहीं, एक छोटी सी बात है कि भाई अगर सपोज करो उनका मन बदलता है कि भाई वे चाहते हैं कि हम एक दो महीने में रेस भगाना चाहें, तो अब तो हम 400 मीटर की तैयारी में चल रहे हैं। यही बात मैं खोलना चाह रहा हूँ, मार्च तक अब जो है 400 मीटर की रेस में चक्कर भगा लो चाहे 6 महीने बाद भगा लो। ये बात, 400 मीटर की रेस में चाहे 1,00,000 रुपए धर का भगा लो चाहे 5,00,000 रुपए धर का भगा लो। तो दिल पे बाबा जी कैडी लगी है। नहीं कैडी नहीं, हमारा पहले से रिकॉर्ड है चीज, आज तक हम किसी से पीछे नहीं हटे, किसी चीज से पीछे नहीं हटे। तो कपिल भाई यह शील्ड ले रखी है जी, आप भैंसेबाजी का शौक पुराना है। हाँ जी, पहले से हमारे पापा जी भगाते थे 4-4 किलोमीटर की रेस में भगाते थे। क्या बात है, चुप उठा के रख दे भाई, पुराने दौड़ियों में नाम है जी इनका भी। तो क्या बात है, अच्छा क्या बात है। तो तब जी कितना समय हो गया आपको इस लाइन से? 30 साल हो गए। 30 साल पहले बहुत जोटे भगाया, बहुत रेस कर लिया। तो ताऊ जी 30 साल पहले तो मुझे लगे सारे अच्छे अच्छे मलची जो नामी होंगे तो उनके साथ में पड़े होंगे जी आप। आज खूब खेले भगवाना वाले के साथ में, खूब खेले नबीपुर वाले के साथ में, खूब खेले। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। शील्ड बहुत बढ़िया भाई, सामने जी तो बच्चे हुए हैं जोटे की शील्ड तो टांड पे धरी। अच्छा जी, टांड पे धरी है, कहने का मतलब यह है। बहुत बढ़िया। तो भाइयों कपिल भाई की अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट करना, अगर इनमें कुछ गलती है तो वो भी कमेंट करना, कि आप लोगों की कमेंट बहुत ही सर्वमान्य होगा कि उससे पता लग पाएगा कि भाई आपके सामने ऑडियो भी आ चुकी है कि जिस बेस पे कपिल भाई ने हमें फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद में बुलवाया। हम नहीं चाहते कि आपस में वाद विवाद बने, मैं भी नहीं चाहता कि आपस में गांव में वाद विवाद बने इनका, कि भाई अगर प्यार से मसला हल होता है तो बहुत ही अच्छा है। बहरहाल कपिल भाई ने कह दिया है, खुला कह दिया है कि जी, ताऊ जी ने भी कह दिया कि 400 मीटर में भगाना चाहते हो, इस टाइम हमारा हाल फिलहाल 400 मीटर में तैयार है, नहीं तो 7 महीने बाद हमारा वो 7 किलोमीटर वाली तो रेस भागनी भागनी। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, ताकि आने वाले समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने को मिले। लवारा दिखा देते हैं इनका कौन सा है। तो भाइयों इनका जो लवारा है दांतों में 2 है, आप लोगों के सामने है। एक आंख इसकी सफेद है, तो इससे ये भगाना चाहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो ठीक है भैया जी, कपिल भाई बड़ी मेहरबानी। हाँ दिखा दो, आ जाओ चाल दिखा दो थोड़ी। हल्की सी चाल भी दिखा देते हैं जी। तो भाई हल्की सी चाल भी दिखा देंगे भैया, क्योंकि आज इनका झोटा छुटना है, उसमें कोड़ा रेस में छुटेगा जी।
भाई ऐसे ही घुमा लियो जी। बहुत बढ़िया ठीक है कपिल भाई, वीडियो करते हैं जी आपकी अपलोड आज ही। ठीक है भैया, सभी को राम राम।